मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के निर्देशों मुताबक कि कोई भी इंडस्ट्री जिहदे को अपने अंदर ही लेबर रखने का इंतजाम है वह अंदर ही फूड प्रोवाइड करेगा, अंदर ही पूरी हेल्थ की जांच होगी, वह इंडस्ट्री अपनी चालू कर सकता है। असी इंडस्ट्री नहीं खोलनी, ना साढ़े को इन्नी प्रोविजन है 200 बंदे नूं जां 400 बंदे नूं रखण दी, ना साढ़े को इन्ना समर्था है भी असी उत्थों राशन इकट्ठा कर सकीए। अपने जाण वास्ते तां सानूं पास वास्ते 3-3 घंटे खड़ना पैंदा, ते जदों 200 बंदे दा राशन लैणा पहलां असी सवेरे 5 बजे मंडियां 'च जाइए। मेरे को तो समझ नहीं आई, ये जिस आदमी ने भी, जिस मिनिस्टर ने भी ये पास किया है, क्या उन्होंने कभी फैक्ट्री में अंदर जाके देखा है पास करने से पहले भी प्रोविजन है कि नहीं है? कोरोना वायरस, जी हाँ, एक ऐसा एपिडेमिक जिससे हमारा पूरा वर्ल्ड हिल चुका है। सारी कंट्रीज लॉकडाउन हो चुकी हैं, सब अपने घरों में छिप के बैठे हुए हैं। कोई ऐसा इस टाइम कोई उनको सहूलियत नहीं मिल पा रही कि वो बाहर निकलकर ज़रूरत का सामान भी ले सकें। और जी हाँ, इस वायरस का इफेक्ट, इस डेडली डिसीज़ का इफेक्ट इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे तो पड़ा है, हर सेक्टर पे पड़ा है। चाहे वो हमारे फैक्ट्री ऑनर्स हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों या जॉब सेक्टर्स के जो पर्सनस हैं, सब पे इनका, इस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। और अब हम आपको जिस इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, वो काफ़ी साल से साइकिल इंडस्ट्री में डील करते हैं, मिस्टर अवतार सिंह भोगल। अब हम उनसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि कल जैसे एक नोटिस जारी किया गया है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपने देखी होगी कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, बट एक रेस्ट्रिक्शन भी जारी की गई है उनकी तरफ से कि जो भी लेबर अंदर काम करेगी उनको ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, लॉकडाउन टाइम पीरियड, उनको अंदर ही रहना पड़ेगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, आप, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हमने, आपने देखा न्यूज़ में जो एक नोटिस आया है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? देखो जी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के डिसीजन से, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी जो जीरो ए से लेकर जेड तक उसको पहले देखना चाहिए कि इसका कैसे कैसे लिंक है और ये कैसे कैसे चल सकती है। आज अगर हम किसी फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं तो हमारे के यूज़ के लिए, उसके रॉ मटेरियल और उसकी मेंटेनेंस के लिए, जो भी जब भी चीज़ चलती है उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। कोई पता नहीं किस टाइम ब्रेक डाउन हो जाए। अगर कोई ब्रेक डाउन होएगी तो क्या बाज़ार खुले हैं जहाँ से हम सामान लेके उसको ब्रेक डाउन को ठीक कर सकते हैं? और जो रॉ मटेरियल हमारे को चाहिए, क्या वो सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिससे हम रॉ मटेरियल लेके अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं? और सबसे उससे बाद जो उससे प्रोडक्शन होगी, वो प्रोडक्शन को हमने कहाँ सेल करना है? किसी की लोकल है, किसी को स्टेट में भेजता है, कोई सारे हिंदुस्तान में भिजवाता है, कोई एक्सपोर्ट करता है। आज मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरी 2 कंसाइनमेंट जो बिल्कुल रेडी पड़ी हैं और हमने वो मंडे को भेजनी थी, उसके लिए सब पेपर वर्क रेडी था, पर जब इन्होंने लॉकआउट कर दिया, आज वो सारी कंसाइनमेंट अंदर पड़ी हैं। जब कस्टम डिपार्टमेंट नहीं खुला तो कैसे जाएगी? ऐसे ही जो लोकल मटेरियल हमने बनाने हैं, वो जिस दुकानदारों को हम देते हैं, जब वो सब दुकानें बंद हैं, साइकिल की सब दुकानें बंद हैं, ऑटो की सब दुकानें बंद हैं, तो कौन उसको बनाएगा, कौन उसको बेचेगा, कहाँ जाएगा वो माल, कौन रख सकता है अपने अंदर इतना देर माल बना के? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक चीज़ हमें बताइए, जो एक रिस्ट्रिक्शन, एक फैक्टर बीच में आया है कि जो लेबर्स हैं वो अंदर रहेंगे, सब कुछ उन्हें अंदर, वो बाहर नहीं जा सकते, क्या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में इतना प्रोविजन होता है कि वो लॉकडाउन पीरियड पे अंदर रह के आप उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करवा सकें? देखो, जो भी इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर एक कंटीन होती है जहाँ पर सिर्फ चाय वगैरह बनती है, उससे ज़्यादा किसी भी इंडस्ट्री के पास कुछ नहीं है। हाँ, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके पास ऐसी प्रोविज़न थोड़ी होती है कि वहाँ पर कुछ खाना वगैरह बनता है, पर जब आप सोचो एक छोटी इंडस्ट्री या कोई भी जिसमें 100 या 200 या 500 आदमी काम करता है, किसी के पास इतना राशन नहीं पड़ा होता है कि वो अपने 500 आदमी को 15 दिन या 20 दिन खाना खिला सके। और दूसरी बात, उनके रहने का प्रोग्राम, किस आदमी के पास फैक्ट्री में इतनी स्पेस होगी कि वह 100-200 आदमी के रहने के लिए उसको बिस्तर लगा के उनको सुला सके? फिर ये बोलते हैं जी 5-5 फुट के ऊपर आदमी काम करना चाहिए, 5-5 फुट के उससे नज़दीक उसको सोना नहीं चाहिए। इसका मतलब तो ये होगा, पहले हम एक 2,000-2,500 फुट का हाल बनाएं जिसमें उनको सोने के लिए, मशीनें वहाँ से निकालें तब। तो कौन आदमी कर सकता है ये? जिसने भी ये कानून बनाया, जिसने भी वहाँ से ऑर्डर पास किए, क्या उन्होंने कभी किसी फैक्ट्री में जाके देखा है कि फैक्ट्रियों का कैसे होता है?
जब लोग हम लोगों ने इनसे कहा था कि आप हमारे को फैक्ट्रियों में प्रोविजन दो ये करने की कि हम वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे बना लें जिससे हमारी कुछ लेबर अंदर रह सके, तो गवर्नमेंट ने तो उस टाइम तो हमको परमिशन नहीं दी। नहीं जी, फैक्ट्री में आप रेजिडेंशियल एरिया बिल्कुल नहीं बना सकते। तो जब रेजिडेंशियल एरिया बनाने को नहीं दिया तो अब हम कहाँ से उसको 200 आदमी को 100 आदमी को रख लें, और वहाँ कहाँ दो उनको 200 आदमी को खाना खिलाएंगे जो हमारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आई, ये जिस आदमी ने भी, जिस मिनिस्टर ने भी ये पास किया है, क्या उन्होंने कभी फैक्ट्री में अंदर जाके देखा है पास करने से पहले भी प्रोविजन है कि नहीं है? ऑनर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे? बिल्कुल नहीं जी, मैं हम लोगों ने जो कल से हमारे चल रहा था सभी डिस्कशन कर रहे थे, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे जो ग्रुप भी वीडियो में करते हैं या वैसे व्हाट्सएप पे करते हैं बात, उसमें हमने सबने यही डिसाइड किया है अभी हम फैक्ट्रियाँ बिल्कुल नहीं खोलेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि सरकार ने हमारे को ये तो बोला जी आप इनको पे दो, एक तो हम पे दें, दूसरा उसके ऊपर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका भी एक्शन हमारे ऊपर ही आएगा कि आपके यहाँ काम करते हुए ये ऐसे हुआ तो आपको पेनलाइज क्यों ना किया जाए। और इन्होंने 5-6 डिपार्टमेंट लगा दिए ऊपर भी, वो आपको कभी भी आके चेक कर सकते हैं, वो आएंगे कोई ना कोई नुक्ता निकालेंगे, फिर 10,000-20,000-50,000 का जुर्माना लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप परमिशन भी दो, उनको पेनलाइज भी करो और उनको हर चीज़ करो, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए बना है। सब कुछ हम सरकार को टैक्स भी दें, एम्प्लॉयमेंट भी दें, सब कुछ करें, और जो भी होना है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का ही उसके ऊपर आता है। इसलिए इंडस्ट्री ने इसलिए सोच लिया सबने कि हम नहीं चलाएंगे। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ काफी रेनॉन इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अवतार सिंह भोगल, जो बहुत ही अनसेटिस्फाइड दिखे कल के डिसीजन को लेकर। जो कल डिसीजन आया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री ऑनर्स अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट खोल सकते हैं बट एक रेस्ट्रिक्शन के थ्रू, और उनका यह भी कहना है कि कोई भी फैक्ट्री ऑनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश हमें दिखाई नहीं दिए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV। We'll be right back.